हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वालेड फैमिली। मेरी ओर से आप सभी को नमस्ते। और मैं बोल रही हूँ बहुत धीरे धीरे क्योंकि मैं बैठी हुई थी डेंटल क्लिनिक में और मैं आई थी यहाँ पे अश्विनी के साथ। उसकी आज अपॉइंटमेंट है यहाँ पर और वो गई हुई है और मैं और जयस कर रही है वेट वेटिंग एरिया में। और फ्रेंड्स, इनसे मिले ये हैं यहाँ के डॉक्टर, लेकिन इनके पास अभी टाइम नहीं था, बिजी शेड्यूल था। तो बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग में आपको डॉक्टर से भी मिलवाऊंगी और यहाँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन डॉक्टर से हम कोशिश करेंगे जानने की कि जैसे यहाँ पे कौन कौन से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और यहाँ पे जो है चार्जेस कितने हैं। आज परमीत जी बिजी हैं तो हम आए भी उबर से थे और हमें आज जाना भी उबर से ही है। तो बस देखते हैं एक अच्छा सा पॉइंट ही, वहाँ से हम करते हैं अभी उबर बुक। यहाँ पे राउंड अबाउट से नहीं की क्योंकि यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाती है, राउंड अबाउट पे कहीं कहीं के अलग अलग लोकेशंस पहुँच जाती है, एक्सपीरियंस हो चुका है पहले भी, तो इसलिए एक अच्छी सी जगह ढूँढ रहे जहाँ से हम बुक कर सकें। और फ्रेंड्स, हम चले गए थे अनाया को स्कूल में लेने के लिए और हमारे साथ हैं ही दो जैस। ये रही अनाया। हेलो करो। हेलो। जा चुकी है। जैसे ही हम यहाँ उनको लेके बच्चों को लेके पार्क में पहुंचे उसी टाइम आ गया नितिन। तो नेहा और अनाया जा चुके हैं, जैस ने काफी खूब टाइम स्पेंड किया पार्क में और अब बस हम निकले हैं घर की तरफ। तो हो चुकी है शाम, लगी है बहुत ठंड, ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर बहुत ज्यादा। और जैसे ही हम जाते हैं घर की तरफ, रास्ते में आती है ये चाइना शॉप, तो यहाँ पे जैस को रुकना ही रुकना है। फ्रेंड्स फ्रेश मिल्क, और किस तरह की पैकिंग में आता है अभी आपको वो दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रखी है जैसे ये बोतल है, पानी की जो भी खाली बोतल हो उसको ले जाए और वहाँ से फिल करवा कर ले आए। तो इस तरह से परमीत जी इस तरह से बोतल्स ले आते हैं और इनकी अगर कोई चाय पिए वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेश मिल्क की। लेकिन फ्रेश मिल्क में लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए हम सारा का सारा जो दूध है हमें बॉइल्ड करके रखना पड़ता है, क्योंकि अगर बॉइल्ड नहीं करेंगे तो दूध जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके लिए बॉइल्ड करने के लिए हमें चाहिए बड़े बड़े बर्तन।
सामान लेने के लिए। वैसे घर के पास भी सुपर मार्केट, लेकिन मुझे लगा पैदल क्यों जाऊँ मैं इतनी धूप में, तो बस फिर मैं आगे थी परमीत जी के साथ सामान लेने के लिए। पहुंच गए हैं फ्रेंड्स घर। हेलो परमीत जी। हाय। और यहाँ बैठी है जैस, देख रही है अपने कार्टून। छिपा छिपा के रखती, लेकिन फिर भी इसको हल्की सी आवाज सुनाई दी। अभी चाहिए, जैस खाती है आजकल स्पाइसी टॉकीज। जैस आप क्या खा रहे हो? आजकल है जैस टॉकीज की शौकीन। वैसे मिर्ची बिल्कुल नहीं खाएगी, लेकिन टॉकीज में मिर्ची चाहिए इसको। जैस यू लाइक टॉकीज? और मैं यहाँ पर कर रही थी अपने किचन के थोड़े बहुत काम। और मैं यहाँ बोल रही थी कि आजो फ्रेंड्स ग्रीन टी पी लो। मुझसे किसी ने पूछा था कि क्या आपकी बेटी को पोर्तुगीज लैंग्वेज आती है, तो हाँ मेरी बेटी को पोर्तुगीज लैंग्वेज आती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ गए थे 2018 में, तो हमें तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है। तो स्टार्टिंग में तो उसको नहीं आती थी लैंग्वेज, इस वजह से मैंने उसको स्कूल भी रिपीट करवाया था यहाँ पे, लेकिन अब वो अच्छे से बोल लेती है। तो अब उसकी ये थिंकिंग हो चुकी है कि हमें पुर्तगाल छोड़ के कहीं पर भी नहीं जाना, तो हम यहीं पर ही रहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है और सिटीजनशिप भी अप्लाई की हुई है। तो देखते हैं पासपोर्ट कब तक आएगा, लेकिन उसके बाद भी हम यहीं पर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों के एजुकेशन की वजह से। तो बस सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने इन्जॉय किया होगा, और अब मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।